अगर ईमान नहीं तो रहमत नहीं आ सकती, अगर ईमान नहीं तो बरकत नहीं आ सकती, अगर ईमान नहीं तो अल्लाह तबारक व तआला इज्जत नहीं अता कर सकता, अगर ईमान नहीं वल बंदे की जड़ी जिंदगी है वह पाकीज़ा नहीं बन सकती। ये जड़ी बरकत है, हिदायत है, रहमत है, ये सारी ईमान नाल ही मुमकिन है। अगर ईमान है तो हर शायद है, अगर ईमान नहीं तो पूरी शायद है। असादे तुम्हारे अंदर ईमान की बड़ी कमजोरी है, अस मुसलमान जिल्लत का शिकार है, अपनी वजह यह है कि सारा ईमान कमजोर है। असादे अंदर झेड़े झगड़े तनाव से कम ज्यादा है, उनकी वजह है कि सारे अंदर ईमान की कमी है। असादे अंदर सलामती कहनी है, असा सारे सलामत कहें, असारी इज्जत महफूज हुए थी, उनी वजह है कि असर तो सारे ईमान के खाली हैं। अगर सारे तुम्हारे अंदर ईमान हो गए तो वाल अल्लाह तबारक व तआला सारी हर शायद को सलामत भी रखे और अल्लाह सारी हर शायद की हिफाजत भी करे, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर एक मसला समझाया है कि मैं मोमिन बंदे की जिंदगी को पाकीजा बनाना, जिंदगी उन्हीं सोनी होनी है जिन्हें दिल च ईमान हो, जिनकी जिंदगी च ईमान हो, जिनकी जिंदगी च ईमान नहीं उनकी जिंदगी सोनी नहीं बन सकती, पाकीज़ा नहीं बन सकती। असारे अंदर ईमान की बड़ी कमजोरी है, अस दावेदार भी हैं लेकिन हाल भी उनके मुताबिक अमल नहीं सकते। और तू देखो इस सारे फजल अल्लाह ताला की तरफ सारिया इशारता और अल्लाह की तरफ सारिया रहमता, ये सिर्फ ईमान वाले लोगों के वास्ते जिक्र किया गया। अल्लाह ताला ने बड़ी प्यारी बात समझाई है, अल्लाह ताला ने फरमाया मन अमल सारे मिन जकर और मुसा वह मोमिन फलन यन्हु हयातन तय्यबा व लजज़ियन्हु बिअहसनि मा ईमान की हालत ईमान दिल के अंदर मौजूद है। अल्लाह फरमाने उनका अमल इतना मैं अल्लाह करीम को पसंद नहीं जितना उनका ईमान पसंद है, इदे ईमान की वजह तो मैं अल्लाह करीम को केड़ा इनाम देना, या अल्लाह केड़ा इनाम दे नहीं। अल्लाह फरमाने फल दो ये जन्ना हो हयातन तय्यबा, जिस वेले ईमान वाला बंदा कोई कम करे मैं अल्लाह उसकी जिंदगी पाकीजा बना, जिंदगी उनकी साफ सुथरी बनाना। कहंदी ईमान वाले ईमान नहीं तो जिंदगी पाकीजा नहीं बन सकती। खावण पीवण चंगा है, महल भी ऐश मकान चंगा है, कारोबार तिजारत चंगी है, एसी दे सारे मामलात है, बाल बच्चे सुखे हैं, सेहत है, तंदुरुस्ती है, कबीला अच्छा है, हर शय है, लेकिन जिंदगी पाकीजा इन सारे चीजें नाल नहीं बनती। जिंदगी पाकीजा ईमान नाल बनती है। माल है या नहीं ईमान है तो जिंदगी पाकीजा बनसी। एक है तो मसला समझाए जो चंगा खावण पीवण होए, अगर कारोबार अच्छा है, औलाद फरमा बरदार है, मकान चंगे, ठंडी जगह मिल गई है, रहन चंगा है, खावण चंगा है, हजावण चंगा है, पावण चंगा है, तो जिंदगी पाकीजा है नहीं। जिंदगी बंदे की पाकीजा है, अल्लाह ने शर्त लाई है वाह वाह मोमिन कि जेड़े सहूलत है उन्हें के तुसा क्या समझते हो मेरी जिंदगी पाकीजा है, क्या वो पाकीजा जिंदगी बोला जा रहा है। अगर जे उनका के पैसा है, अगर जे उनका के हर शय है, लेकिन जिंदगी उनकी पाकीजा नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया जिंदगी पाकीजा मैं मोमिन दी तो बनना जब अपने दिल से ईमान हो। और साथ में आयत करीमा के मसला समझ आए कि अगर ईमान हो सी तो जिंदगी पाकीजा बन सी, वरना नहीं बन सकती। साफ सुथरी जिंदगी
नेक जिंदगी जन्नत दे राह दी जिंदगी और अल्लाह दी पसंदीदा जिंदगी जेडी अल्लाह दी रजा दी जिंदगी है वो अल्लाह उपले नसीब करे सीने दे ले ईमान मुस ये पहला फायदा है ये ईमान दी बरकत नाल पाकीजा जिंदगी मिलदी है और अगली बात अल्लाह तआला ने कुरान करीम में फरमाया वो الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب अल्लाह तआला ने कुरान करीम में फरमाया जेड़ा बंदा ईमान आवे और अपने अमल करे ते खूबसूरत अमल करे अल्लाह फरमाते طوبى لهم इन्हें लोगों वास्ते खुशखबरी है इन्हें वास्ते बिशारत है इन्हें वास्ते ईमान है अल्लाह से याद है तो इन्हें वास्ते बिशारत है यानी अल्लाह की बिशारत ईमान वास्ते अंदर बाकी सा जिंदगी ईमान की वजह से मिलती है तेरे सामने मैं ऐसा पढ़सा जिसका नतीजा है उसी अल्लाह का हर कतल ईमान ना मिलते वरना नहीं मिलता अल्लाह तआला ने फरमाया पाकीजा जिंदगी मिलती है के ईमान नाल बंदे दी जिंदगी अगर साफ सुथरी है पाकीजा है नेक है ते ईमान नाल ते अब अल्लाह करीम ने फरमाया कर बंदे वास्ते इशारा ते बंदे वास्ते खुशखबरी है जन्नत दी हुरिया जन्नत दे मामलात खुद सिरात दी आसानी ते आखरत दे मनाज़िर दी आसानी अब अल्लाह करीम जिंदगी आखरत बेहतर ते सोहनी करे ने या अल्लाह के दी आखरत बेहतर जिन्होंने ना जिंदगी पाकीजा ना आखिरत दी कोई निशान लूटो कबसे कौन आदे कुरान मुश्किल है कौन आदे कुरान समझ नहीं आंदा आसान वार्ता रब समझेगा फिर के दुनिया कायनात दे पाकीजा माहौल कोले मिलसी जेडे वेले तुम्हारे अंदर की ईमान है आखिरत दा सफर रात वाला आसान नहीं सी जेडे वेले तुम्हारे च ईमान तू है तक सुननी बैठे त्री छी कुरान पाक दी आया ये समझ दे और सारे अजीना कि हर शय ईमान पर मुमकिन है ईमान में तो कोई शय नहीं अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बेमकाम ने फरमाया कुरान सुनो और ईमान को समझो अल्लाह फरमाने वाला वो लगना अहलल कुरान पाकीज़ा जिंदगी नसीब थी जी ईमान ना आखिरत आसान थी जी ईमान ना खुशखबरियां मिल सक ईमान ना ते अल्लाह पाक ने यह आयत इस क्या फरक है कि जेड़े बंदे दे दिल च ईमान दे मैं अल्लाह दा फताहना अलैहिम बरकात मिन السماअ वल अर्ज जमीन आले आसमान आले बरकत दे सारे परनाले दरवाजे खजाने मैं अल्लाह खोले सा उमले जेड़े मेरे बस्ती आले ईमानी पर लगा ये कुरान पाक दा तरीका मकाम है मैं कुछ ये बात समझ जाती है कि हर शय लभदी है
ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਇਮਾਨ ਇਮਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਇਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਨਹੀਂ ਇਮਾਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਖਰਤ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਇਮਾਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਮਕਿਨ ਹਨ ਕਿਤਨਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਆਮ ਸਾਦਾ ਫਹਿਮ ਇਸ ਮਸਲਾ ਸਮਝਾਇਆ ਅਗਲੀ ਆਇਤ ਕਰੀਮਾ ਦਾ ਸੁਣਾ ਸੁਣਾ ਦੇ ਪਾਣ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹੀ ਇਹ ਚੌਥਾ ਮਕਾਮ ਹੈ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਾ ਨਾਸਰ ਕਸਮ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕਸਮ ਚਾਤੀ ਹੈ ਕਿਆ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਕਸਮ ਚਾਉਣ ਰੱਬ ਨੇ ਕਸਮ ਚਾਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਕਸਮ ਚਾਤੀ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਲਾਇਕ ਹੈ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅੱਲਾਹ ਉਹ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਲੇਕਿਨ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਗੈਰ ਦੀ ਕਸਮ ਨਹੀਂ ਚਾ ਸਕਦਾ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾ ਤਾਲਿਫ ਇਲਾ ਕਿਲਾ ਅਸਾਂ ਕੀਆਂ ਦੇ ਆਵਾ ਤੇ ਸਿਰ ਦੀ ਕਸਮ ਅਸਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੁੱਕਾ ਕੱਖ ਲਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੱਖ ਥੀ ਬਰਸੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰ ਇਹ ਜਹਾਲਤ ਹੈ ਦੇਖੋ ਤੇਰੀ ਅੰਮਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇਖੋ ਤੇਰੇ ਅੰਮੇ ਦਾ ਸਾਰੀ ਜਹਾਲਤ ਮੈਂ ਕੋ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋ ਆਪਣੀ ਅੰਮਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਹਾਲਤ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਮਸਲਾ ਸਮਝਾਇਆ ਲਾ ਤਾਹਲਕ ਇਲਾ ਬਿੱਲਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਸਮ ਚਾਓ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜਾਤੀ ਨਾ ਕਰੋ ਜੇ ਚਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਚਾਓ ਬਸ ਅੱਲਾ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਆ ਕਹੀਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਕਸਮ ਨਹੀਂ ਚਾਉਣੀ ਅੱਲਾ ਆਪ ਚਾਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਚਾਤੀ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਚਾਤੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੀਨ ਦੀ ਚਾਤੀ ਹੈ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੀ ਚਾਤੀ ਹੈ ਪਹਾੜੇ ਦੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਸਮ ਚਾਤੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ लेकिन ਦੂਜੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀ ਹਮ ਆਖਰਤ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਆਸਾਨ ਤੀਜੀ ਆਇਤ ਕਰੀਮਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹਮ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਵਤਾਲਾ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਕਰੇ ਨੇ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਔਰ ਚੌਥੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਸਾਂ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਵਲਾ ਅਸਰ ਤੇ ਅਸਰ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਹੈ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਐ ਵੱਜ ਰੁਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਵੀ ਕਸਮ ਖਾਦੀ ਹੈ और इनका स्पेशल अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया है और याद रखा है मेरे बदली करीम ने फरमाया जेड़े बंदे किने ना असर की नमाज चुक गई है दीगर की नमाज क्योंकि ये टाइम बड़ा मसरूफ ज्यादा होते काम कार है जो ने अगर इनके किने नमाज असर चुक गई है इमाम कायनात ने फरमाया वो तेरा अहल हो व माल हो इनकी नमाज नहीं चुकी इन्हें समझो इनका माल ਇਹਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਹਦਾ ਘਰ ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੋਤਰੇ ਦੋਤਰੇ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਦੀ ਅਸਰ ਚੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਰੁਲ ਗਏ ਅਸਾਂ ਚਾਰ ਗਾਹ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸਰ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਚ ਸਾਥੀ ਨਸੀਬ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਬਾਹ ਸੀ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤਬਾਹ ਸੀ ਇਹ ਸੱਚਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਅਸਰ ਦੇ ਵਕਤ ਦੀ ਬੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦਾ ਚੌਥਾ ਮੰਤਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਅਸਰ ਦੇ ਵਕਤ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਕਸਮ ਸੀ ਉਸ ਜੱਜ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਨਲ ਇਨਸਾਨ ਲਫੀ ਖਸਰ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਖਸਾਰੇ ਚ ਇਨਸਾਨ ਖਾਤੇ ਚ ਇਨਸਾਨ ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ ਏਸੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਕਰੰਟੀ ਕਾਟਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਆਮਦਨ ਬੜੀ ਹੈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਸੋਣਾ ਹੈ ਉਛਾਕ ਕੇ ਤੂੰ ਅਦੀ ਗਦਾ ਰਹੇ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਤੂੰ ਅਦੀ ਗਦਾ ਰਹੇ ਹੈ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਲਾ ਸਈਆ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਦੇ ਖਜ਼ਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਮਨਣ ਹਾ ਤੋ ਸਾਥਾ ਤਾ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਸਮ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੋ ਪਤਾ ਵਾਲੇ ਭੇਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸਾਂ ਆਖਣੇ ਸਾਰੇ ਤੁਲੂ ਰੱਬੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੱਪਾ ਛੋੜ ਗਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਰੇ ਦੇਲੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਮਦਨੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਚੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਔਲਾਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਚਾਰ ਚਾਰ ਪੰਜ ਪੰਜ ਦੁਕਾਨਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਚੋਂ
अल्लाह के खजाने में जाओ, करोड़ों रुपए तुम्हारी आमदन है तुम्हारी खजाने में जाओ, तुम्हारे जितना जमीन है रकबे में खजाने में जाओ। या अल्लाह जी बात है खजाने की है हर शहर में इतना बेवहा है जाने का बहा नहीं। अल्लाह फरमाए दे खजाने में जाओ, मैं तुम जमाने की कसम है खजाने में जाओ, मैं कौन से से मदरा दी कसम है खजाने में जाओ। या अल्लाह खजाने में जाए सारे इंसान खजाने में जाए। अल्लाह फरमाए दे नहीं 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 हर इंसान खजाने में नहीं है, ओ इंसान खजाने में बचा हुआ है। या अल्लाह केड़ा अल्लाह दौलत ने करोना के खसारे के दौलत मत को बचाए जाए कहीं दे जमीने जिम्मेदार को करोना के खसारे के जमीने बचाए कहीं दुकानदार ने दुकानदारी ने करोना के खसारे के बचाए बड़े बड़े तरक्की याफ्ता मुल्क को गोदे टिके में बैठे से जिन्हें लोगों को अल्पा खल्पा रुपए दिया आम बढ़िया हम उन्हें लोगों को भी खसारा है। अल्लाह की ये बात सूरत बोलो ईमान बचे बाकी जिंदगी मिलनी है ईमान नाल आखिरत दिया मंजिला आसान थी मिलते ईमान नाल बरकत आसमान ते जमीन दी आनी है तकड़ी शह नाल ईमान नाल ते अल्लाह करीम ने फरमाया अगर इंसान खसारे में बचने का ईमान नाल अल्लाह पाका ईमान दे इतना फैदेन अल्लाह हमें दे के सखावत दी है ते ईमान नाल अगर बंदा हलाल का मुकाबला कर सके ते ईमान नाल जेड़ा बंदा ईमान वाला नहीं हो बंदा दिले नहीं हो सकदा जेड़ा ईमान वाला नहीं हो बंदे जे सखावत दी आ सके जेड़े बंदे च ईमान नहीं है ए बंदा बहादुर नहीं हो सकदा। अल्लाह पाका कीने अल्लाह फरमाए दे मूसा अलैहि सलाम दा मुकाबला है फिरौन नाल ते हजरत मूसा अलैहि सलाम है फिरौन दे सामने खड़े हुए हैं फिरौन ने जादू करे जादू कर करके अपना रोजी कमे कमे जोले कपड़े फटे हुए वक्त के बादशाह के सामने खड़े हुए उन्हें किने डरते खड़े मूसा अलैहि सलाम का मुकाबला करा दे लेकिन जेड़े मूसा अलैहि सलाम की जीत कही है ये सारे नाकाम कर हरे
सारे फिरौन में सामने आए थे आमना अस ईमान कहना है फिरौन सुन असाडा राबी हुई जेड़ा हर गल जो सब अजीब थी और मूसा मूसा अलैहि सलाम के सामने ये मार का ईमान कबूल की थी गलत और ने कोई नहीं पता है कि फिरौन ने माफी पता नहीं देना फिरौन ने मार ही करता दुख का मुकाबला करे सी ईमान अल्लाह दुख का मुकाबला ईमान अल्लाह साबरी हो सी बात का बात कहना थी और ना हो सी ईमान अले तो चिचड़ा पाक कहना हो सी ईमान अल्लाह परदा जाना हो सी बुर्दबार हो सी ईमान अल्लाह समझदार हो सी जे गुफार की बदी है कामड़ा बदे इंसान को इंसान नहीं समझदा मां बाप का आदर नहीं करेगा फिरौन बना बदे समझो ही नहीं ईमान हो नहीं ये हम देखा खर्च ने सहे सूर्य दे चढ़ा दे सहे अल्लाह ताला फरमाते हैं कोई चार चार मान गरीब फिरौन के सामने कर के जड़े जुमले आला है मैं रब हूं उन्हें जादू कर दे जुमले बड़े पसंद आ मैं उस जुमले कुरान में जिक्र किया करे ना रे इतने खुश नसीब में जो लोग जिन्ना दे मुंह की जुबान भी रब पसंद आ मालदार नहीं ओए जिम्मेदार नहीं अल्लाह को इन्हें जुमले पसंद है पैसे वाले नहीं गरीब या अल्लाह इन दे जुमले क्या अल्लाह फरमाए फिरौन तब क्या ने ला गए आना गए मार सके से ने बच्चे बड़े यतीम कर दे से ने सुनो अगले जुमले सुनो लाजा तुझे लाजा अल्लाह फरमाए सारे जादूगर बच्चे थी क्या क्या लगे फाफजी आ अंधकार इधर तर्जमा तक तेरी बोली है सुन जना हैं असली ना माना है क्या इधर माना है फैसला कर गुजरो जी में तो नहीं दिला दिए फिरौन को आते करन जादूगर फैसला करो जी में तो ना दिला दे काजी ने तू समझी में तो ना दिला दे फैसला करो अगला माना जरा तेरी बोली है तेरे को समझावा आप सही मान तब काज इधर माना है वे जादूगर फिरौन को आते करन जेरी खंडो जी दिए ही कर गए जेड़ी खंडो जी दी कर मार सकते हैं हाजिर हैं सारे हाथ पे काट सकते हैं हाजिर हैं सूली पे लड़का ने हाजिर हैं या अल्लाह कई रन झोपड़ियां जना मना लेन ते बादशाह सा मुकाबला की में करे दे करे ना अल्लाह फरमे दे इन दे अंदर दिले री आई है कई ना दे ईमान दे ना मन दे बाद अगर ईमान ना आंदा ते दिले री ना आंदी ईमान ना आंदा ते ईमान ना अल्लाह ते शुजात ते बहादुरी ना आंदिया मैं अल्लाह ने ये कुल दिले दी अता कीती है ईमान दी वजह तो आदे करम कालू लाजीर कोई परवाह नहीं हाथ कटी जे कोई परवाह नहीं सदा पीर कटी जे कोई परवाह नहीं असा सूली ते चढ़ाए मैं मुताबिक कोई परवाह नहीं असा वो कोई परवाह नहीं या अल्लाह ਜਦੋਂ ਦੇ ਦਿਲ ਚ ਬਹਾਦਰੀ ਕੀ ਨੇ ਆਈ ਹੈ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਫਰਮਾਈ ਨਾ ਦੇ ਦਿਲ ਚ ਇਮਾਨ ਆਵੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਚ ਇਮਾਨ ਆਵੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਿਲੇ ਰੀ ਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਆ ਤਾ ਉਸ ਦਸ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਚ ਇਮਾਨ ਹੈ ਇਮਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਇਮਾਨ ਅਸਲ ਸੀਦ ਇਮਾਨ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਨੇ ਤਾਂ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਭੁੱਖ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ईमान नहीं था कोई शय नहीं हर शय ईमान ना ले अल्लाह से कुरान पाक के वाकया बयान कीते बड़े बड़े सूरत दना सूरत काफ सूरत दना क्या है सूरत काफ काफ का माना है गार काफ का माना है गार अल्लाह ने गार आए ना वाकया सुनाए ना मैं ना गुस्सो अल्लाह फरमाए दे असन को एक किस्सा सुनाऊं गार आएगा अल्लाह सुनाए तेरे बंदे सुनन ते तैयार अल्लाह फरमाते हैं इन नहुम फतिया तो किने में रह गया या अल्लाह ने वादा हा सारी जमीन अगर ईमान ना होता मैं अल्लाह ने मेरे से आसान ना करा अगर ईमान ना होता मैं अल्लाह ने मेरे हिदायत ना दे वहा अल्लाह फरमाते हैं वाला बतना आदा कुलूब है ना ते दिल मजबूत कर देता है पहाड़ जो सामने आए बड़े बड़े पिछो दुश्मन हथे पैसे गए नहीं पर पत्ना अला कुलूब है उना दे दिल मेरे हाथे चाहे चाहे
मैं उन्होंने दिल पक्के गिर रह गया पक्के या अल्लाह उन्होंने दिल पक्के क्यों गिर रह गए अल्लाह फरमाए ईमान है उन्होंने दिल च तुम क्लियर बने तुम बहादुर बने लिहाजा शायद जीना नसीब की जन केड़ी वजह तो बोलो सारे चीज ईमान भले ही कह तू सब सुपर सबके जी गा ईमान ना हो गया ते असाई ने जुमे नस्ते ऐसे चमो माइंड नहीं करनी है ईमान ये भी है कैसी रात है सारे आदमी यार ईमान है और मैं तो अभी ईमान का एक त्रासू के त्रासू देखो मैं तो त्रकड़ी मैं लेना होनी चाहिए जुमे के खुतबे में मैं त्रासू के करना मैं तो अपने सामने ईमान का वासना कर लेना तो संदेह दे होगा जो सारे ईमान है जगह हर कहीं मेरे ईमान को चुने दे मैं अपने अपने ईमान को चुने ना तू साफ अपने ईमान को तोलो मेरा काम है त्रास लगाना तोले हर की अपना ईमान अपनी जात बैठ के तोलो जो होशियार बैठे हो तो मैं त्रास लगावा ताकि ईमान को तोलो अपना क्या ख्याल है तोलो अपना ईमान बोलो यार त्रास दे बैठे पता है ना तो मुझे तोलिया गया ईमान कख नहीं बचता पैमाना मैं लेना त्रास मैं क्या करना आज जैसा चाहो सारे जीवन ये भी सही है और कहीं जरा नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाए आपने फरमाया ला यूमिन वहदुकुम हत्ता अकून अहब इलैही मिन वालिदिही व बलदिही व नास अजमईन तरासमी में पहला बेटा से जमी तरासो दे पलड़े से ईमान अपने आवाज़ करो सारे बुजुर्ग बादशाह बैठे हो नबी पाक ने फरमाया बंदा करे ईमान वाला नहीं जी सकदा ओ बंदा करे ईमान वाला नहीं जी सकदा अल्लाह दे पाक नबी केड़ा बंदा ईमान वाला नहीं जी सकदा आपने फरमाया जेड़ा बंदा अपने बाप के ज्यादा अपनी औलाद के ज्यादा और सारी कायनात के ज्यादा अल्लाह दे पाक पैगंबर दे नाल मोहब्बत ना करे जेड़ा करे नबी पाक नाल सारी कायनात के ज्यादा अपने मां बाप के ज्यादा अपनी औलाद के ज्यादा मोहब्बत ना करे ओ बंदा ईमानदार नहीं हो सकदा त्रासले हे तुम बंदे दे दिल च ईमान नहीं नहीं जे पीरू मां ढेर प्यार है नबी सही बोलो जे को औलाद ज्यादा प्यारी है अल्लाह दे सामने रसूल पाक करो जे को दुनिया ज्यादा प्यारी है नबी पाक करो वो बंदा मोमिन जी सकदा सारे विच केड़ा बंदा है चाहे जग जहान के ज्यादा नबी प्यार है असा सर हर कहीं के ज्यादा अपने नबी नाल प्यार करने आंदे सारा चेहरा सोने नबी अली कार हो गया नबी सोने सारे कदे आराम नहीं खादा असा करे अल्लाह पाक ने हलाल नहीं खादा सब को सारे नबी नाल प्यार हो गया सारे नबी पाक ने कदा ही सारी जिंदगी नमाज रसूल यदैन दे बगैर नहीं पढ़ी असन नमाज ए रसूल यदैन कीता कराए सब को नबी पाक नाल प्यार हो गया सोने नबी ने सारी जिंदगी अल्लाह दे अलावा गैर दे ना दिया नजर नियाजा नहीं मनिया असन असी अल्लाह दे नारे ने मनी सब मम्मा ज्यादा प्यारी है अब्बा ज्यादा प्यारा है बस्ती ज्यादा प्यारी है पब्लिक ज्यादा प्यारी है दुकान ज्यादा प्यारी है नबी ना लगा सारी कायनात के ज्यादा प्यार होगा कि ऐसा नमाजी को हुआ फिर नमाजी ना होगा सच बोल हुआ क्योंकि नबी कने झूठ बोल जाएंगे तो सही मान था बस सब नबी ना प्यार है या दुनिया ना दुनिया ना फैसला करें या तू सब जरूर हित की चाहो मैं कर नबी ना प्यार है या अम्मा पे ना अम्मा पे ना बच्चे ज्यादा प्यार है या नबी सोना बच्चे ज्यादा प्यार है वालों का फिर थी गई है नबी पाक ने फरमाया ला यूमिनो इथा जवान ईमान आला बोलो इना मतलब है एक के त्रास हो इस दफे थी गए क्या किया गया पास वन से अगला त्रास सुनी नबी पाक ने फरमाया ला यूमिनो ला यूमिनो हाथों में हत्ता या कोना हवा हो तबाल में माचे जो बेगी इमाम के नाथ ने फरमाए मेरी उम्मत ना ओ बंदा ओ तक मोमेंट नहीं हो सजा तेरा सुने ना दिया ओ तक मोमेंट नहीं हो सजा के तक
ਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਤਾਬੇ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਮਿਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਦੇ ਤਾਬੇ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਖਾਹਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਮੁਮਿਨ ਸਾਰੇ ਸਾਥ ਦੇ ਉਮਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਇੱਕ ਡਰ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਗਿਰਾਂ ਕਾਮਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਚਬਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ 15 ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਗਿਰਾਂ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗਿਰਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਨ ਕਿਦਾਂ ਬਣਦੇ ਲੇਕਿਨ ਜਵਾਨ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਦਫਾਨਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦਾੜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਥਰੀ ਕਰੇ ਇਹ ਕਿ ਲੈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਵੈ ਸ਼ਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜੰਤਾ ਦੇ ਇਹ ਉਮਰ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਆ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਨਾ ਮਰਦੇ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੋਈ ਇਹ ਦਾੜੀ ਮੰਨਣ ਹਰਾਮ ਹੀ ਵੇ ਦਾੜੀ ਰੱਖਣ ਫਰਜ਼ ਹੀ ਵੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਹੀ ਵੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਵੇ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਬੀ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਤਾਬੇ ਕਰਨਾ ਪੋਸੀ ਅਕਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਜਿਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਰੋਲਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾ ਦੀ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਰੱਬਾ ਦਾੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਡੂਡੂ ਸ਼ਾਦੀ ਤਰਾ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਬਗੈਰ ਦਾੜੀ ਵਾਲੇ ਹਕੀਮ ਮਸੇ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਦੀ ਤੋ ਕਹਿਆ ਕਿ ਦਾੜੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਦੀ ਚਿਹਰਾ ਸਜਾ ਕੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਕਰੀਮ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਤੇ ਲੁਟਾ ਕੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਅੱਲਾ ਕਿਵੇਂ ਰਸਤੇ ਆਸਾਨ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੰਨੀ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਕਰ ਗਿਆ ਯਾ ਨਬੀ ਦੀ ਮਲੀ ਸੀ नौजवान नौजवानो खुदा रा अपनी ख्वाहिश पीओ जी पीओ ओ मुसाफ ओ बड़े बड़े लिया थे ओ सारे पीरवा दादे हो मुसाफ मरे ने मुसाफ नहीं मरना मिसवाक करते हैं मिसवाक मेरे नबी सी चाती बच्चे हैं मेरे इन्हें मुझसे ते मिसवाक रखे ने ते नबी सी मुझसे कच्चे चा अब कोई तो सही माने मुसलमान ना ना वहीं कोई आ क्या करियो हाल के लाभ का लागड़ा करवाना पड़ असादा कोई नहीं होता क्या गिरा दे आज कोई मस्जिद इमाम या मस्जिद ना सती नहीं है हरकत करे जा भी यही कोई नाम दे दूंगा शाम को रास्ते जरूर भाला के नहीं करो ये आवे एक डरा बड़ा करो मुंह बात पे लेके ताकि तू जितनी गलती ना मुझा कदीर किया मेरे ने किदरा ये जवान बैठे ईमान जो नबी पाक ने फरमाया तेरी ख्वाहिश है कुछ ना छड़ दी मेरा फरमान है कुछ कटण दी ऐसा क्या इरादा है अरे अल्लाह रे पाक नबी मेरी ख्वाहिश दी क्या जोड़ा में जिने थोड़ा फरमान है आज के बाद मुझे मैं कटे नारा सा अगले जुमले सुनी इमाम कह रहा ने फरमाया मेरा साथी जे अपने मुसाई ने कहे ना रह गया अपने होते तो छोड़े के साफ करे ना रह गया मैं मोहम्मद करीम से गुजरन दे रहा क्यामत अले दिन मैं तला हो जे तो सब से इंतजार करे सा तेरी मेरी मुलाकात हो जे तो सब से तीसी क्या माना ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਨਬੀ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਤਾਬੇ ਕੇ ਤੇਰਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੇ ਨਾਲ ਹੌਜ਼ੇ ਕੌਸਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇ ਸਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਯਾਰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹੈ ਤੇਰੀ ਸਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੌਜ਼ੇ ਕੌਸਰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤਾਬੇ ਕਰਨੇ ਦਿਲ ਕੁਝ ਵੀ ਆਖੇ ਖਾਹਿਸ਼ ਕੁਝ ਆਖੇ ਫਰਮਾਨ ਆਪੇ ਨਬੀ ਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਸੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ ਵਧਾਈ ਰਾ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਂਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਵਜੇ ਪਾਣੀ ਚ ਰਲ ਲੈ ਇਹਨੇ ਭੁੱਖਾ ਤੇ ਛੋੜਿਆ ਕਰ ਇਹ ਈਮਾਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਇਹ ਦੂਜਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਾਈ ਖਾਹਿਸ਼ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਤਾਬੇ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੋਲੋ ਯਾਰ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਅਸਾਂ ਕਦਾਂ ਖਾਹਿਸ਼ ਆਪਣੀ ਤਾਬੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਖਾਹਿਸ਼ ਤਾਬੇ ਉਹ ਹੱਦ ਸਾਰੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਿਆ ਇਹ ਲੋ ਫੌਰਨ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਕਟਾਉਣ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ
क्या खिला दिया? तीसरा पैमाना तैयार करवा। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ला यौमिन वाहदुकुम अत्ता युहिब्बु लिअखीहि अपने सच पसंद कीते झूठ अपने सहूलत पसंद की तंगी मोमिन दिसे। चौथा पैमाना आपने फरमाया वल्लाहि ला युमिनु वल्लाहि ला युमिनु वल्लाहि ला युमिनु। लोगों मैं मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की कसम है वो बंदा मोमिन नहीं थी सकता। त्रै दफा आपने फरमाया बंदा मोमिन नहीं थी सकता। सुनयो केरा फरमाया जब इशारा रख के हमसाया महफूज नहीं ला यमन जा रहा हूं बमाए का हूं जब इशारा रख के हमसाया महफूज नहीं ये भी मोमिन नहीं हो सकता। सादा बैठा हमसाया है हमसाए वास्ते ते ऐसा मोमिन की दुआ है। मैं अपनी तकरीर के दो हिस्से तुम्हारे सामने रखे हैं। पहला हिस्सा सारा कारवादार केड़ी शायद है बोलो यार अल्लाह का हर खजर नसीब तीने केड़ी शायद है ईमान ना तो ईमान सदा तासी सदा अपनी ख्वाहिश नबी के फरमान दे ताबे करे सो ईमान तासी तेरा पूरी कायनात के ज्यादा नबी पाक ना प्यार करे सो ईमान तासी सदा तेरे से अपने वास्ते पसंद करे सो वो ऐसा तेरे वास्ते पसंद करो। वैसे तो पता नहीं रहे लेकिन मुख्त साथ यहाँ पैगाम आ ईमान कबूल करो ईमान अपने अंदर कबूल करो। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ्फा वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुन मुबीन। ईमान में पूरे पूरे इस्लाम शैतान जिंदगी दी ਹੋ ਸਕਦੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਲਾਜ਼ੇ ਮੌਤ ਦੇ ਦੇਵੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਨੂੰ ਕਟਵੇਂਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਜੇ ਕੋ ਰਿਜ਼ਕ ਖਰੇਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਲਾਜ ਚ ਰੱਖੇ ਨਬੀ ਦੇ ਉਪਰ ਦੀ ਹਮਨ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਚ ਕਰੇ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਸੋਚ ਕੇ ਨੋ ਸੋਚ ਕੇ ਨੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇ ਨਾ ਨਾ ਹੀ ਅੰਦਰ ਤੇ ਆਖੋ ਦਾ ਉਠਾੜਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਲੇਕਿਨ ਯਾਦ ਰਖਾਏ जिंदगी का कोई पता नहीं वल्लाह जिंदगी का कोई पता नहीं। मैं अक्सर आता हूं ना जेड़े बंदे बंदा खबर है सुनता भी है उसी मुंह के नकीर आके सवाल करे सारे बंदे ले चेहरे से दाढ़ी होशी मेरा दिल ला दे मेरा ईमान ना दे फरिश्ते चेहरा देख के ही वापस लगे रे सना से अल्लाह सैया एते आपकी जमात पर ठीक ने क्या पूछा एते आपकी जमात में बंदा कमरे में दफन दिया पे चेहरे को बिल्कुल साफ सुथरा की भी पे बिल्कुल साफ फरिश्ते देख के क्या करे सर तेको पता कहीं नहीं ये जड़े गल है ऐसा जले बंदा मर रहे ऐसा भैया का मुंह दे दे हर कहीं दी दिल्ली तमन्ना हूं ये बोल सर भैया का मुंह ले खांडी भाई हर कोई आदे मैया का मुंह ले खांडी भाई हर कोई मैया का मुंह दे चेहरा दे दे बंदे मर बने ने कमरे में फरिश्ते पहले चेहरा रे करे चेहरा चंगा है तो फैसला चंगा जे चेहरा ही चंगा नहीं तो फैसला चंगा नहीं। आखिरी दफा मैं आ गया अपना माली दा कम पानी लावण ते मशना भर भर पावे अगो अल्लाह दी मर्जी रंग लावे या ना लावे ए साजा फर्ज है असन सा बिना में कुछ रतबत निवार सकदे जिंदगी दा कोई पता नहीं ए कोई मेरा फेरा जेड़ा वादा कर
उठी कि ना बात करता जज़ाक अल्लाह खैर बिया कोई नौजवान बिया कोई दोस्त जेड़ा आज दे मासूम ना ते रसूल को ना कटावे जिंदगी दा कोई मतलब भला सोच के रसूल हो तुम्हें तो बढ़िया ही है ना ए ना होवे फिर ना कहना खबर ना होवे कोई भी आ दोस्त अल्लाह तो जज़ाए खैर दे वो नौजवान ऊंचा कर दिया तुझा दोस्त अल्लाह तआला ही जज़ाए खैर दे ये दुआ मेरा तशरीफ रखो मेरी दिली दुआ है और याद रखा है जुम्मे दे खुतबे च कीती हुई दुआ का रद्द नहीं करेगा या अल्लाह ए मेरे तू भिरा जड़ा इखलास पैदा करके तेरा डर रख के और तेरे पैगंबर दी मोहब्बत रख के वादा की थी गड़ा या अल्लाह इना दे आखरत के सारे मनाज़िल आसान सा या अल्लाह इना को हर किस्म की परेशानी के बचा इना को अपने महबूब दे चेहरे आ जा अपना चेहरा बढ़ावन दी तौफीक दे और चेहरा मुस्तफा दी लाज रखन दी तौफीक दे अल्लाह तो दुआए अल्लाह सब पक्का सच्चा मुसलमान बनावे खाली लागे के बचावे नाम लिहार मुसलमान बनन के अल्लाह माफूर फरमावे अल्लाह हमद भी तौफीक बख्शे वाफ के अल्लाह ताला अलहमदुलिल्लाह।